ओम शांति। इस शरीर का नाम विजय ललिता। मैं वरंगल जोन से हूँ, खम्मम होम टाउन है। मैं 1992 में इस ज्ञान को प्राप्त किया है। मेरा लौकिक भाई ज्ञान में चलता था, बेंगलोर में उस समय मिलिट्री में था, और उसने पहले ज्ञान लिया और आकर कुछ ज्ञान की बातें सुनाता था। हम अपने शास्त्रों के ज्ञान से उसको उड़ा देते थे, उसकी बातों पर विश्वास नहीं रखते थे, और हमारा ये भक्ति का ज्ञान बहुत ऊंचा है, हम उनकी बातें सुनते नहीं थे। और इसके बाद वो वहाँ पर वरंगल और हमारा होम टाउन का जो है 2 घंटे का गैप था, तो वहाँ पर जाकर हमारे बड़े बहन जी से रिक्वेस्ट किया था, सविता बहन जी से, हमारे परिवार वाले चलेंगे, आप यहाँ पर मतलब कि प्रदर्शनी लगाओ, सेवा चालू करो। तो वहाँ पर वो लोग जब आए थे तो उनका ज्ञान सुनकर बहुत अच्छा लगा। एक सिस्टमेटिकली उन्होंने समझाया कोर्स, बहुत अच्छा लगा, और वो मेडिटेशन अच्छा लगा, उनके अंदर वो सादगी अच्छी लगी, उनकी डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगा, इतना अट्रैक्ट करता था मुझे। और बहनों के अंदर इतनी विशेषताएं होती थी, और छोटी बहनें दिखते थे उनके, उनको बहुत कुछ आता था, बहुत कुछ आता था, भाषण भी कर लेते थे, भोजन भी बना लेते, और इतना मैनेजमेंट कर लेते। ये सारा कुछ मुझे एक प्रकार से जो है मेरे अंदर जो है मोटिवेशन मिलती थी उन सबको देखकर, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और ये ज्ञान तो और भी अच्छा लगता है। सबसे पहले मुझे ये 2 बातें तो बहुत अच्छी लगी थी, एक तो परमात्मा एक है, ज्योति बिंदु, ये बात बहुत अच्छी लगी, और सब धर्मों का पिता परमात्मा एक है। और दूसरा, हम ही देवी देवता थे। फिर हम बन सकते हैं। कभी ये सोचा करती थी जब कॉलेज लाइफ में थी, देवी देवताओं की भक्ति तो बहुत किया बचपन से, तो ये सोचते थे ये भी हमारे जैसे तो हैं, हाथ पैर सिर सब कुछ, जीवन भी वही है, लाइफस्टाइल, खाना पीना और क्रोध, ये परिवार बच्चे सब, क्या हम उस उनके ज़माने में नहीं होते थे क्या? हमको भी होना चाहिए, क्यों हम क्यों कम है उनसे? उनको भगवान का दर्जा मिल गया, देवी देवताओं को तो भगवान ही कहते थे ना भक्ति में, और हम क्यों इतना कम है? हम भी इतना ऊंच बन सकते हैं ना, देवी देवताओं जितना ऊंच है, हम भी पूज्य नहीं बन सकते हैं क्या? ये सोच चलता था। और फिर कभी ये भी होता था, जैसे मैं ऊपर से आई हूँ यहाँ पर इस दुनिया में, और यहाँ पर सभी आत्माएं जो है जन्म मरण में आए हैं, जन्म लिया और बड़े हो गए, फिर वो शादियाँ हो गए, फिर बच्चे पैदा हो गए, फिर उनके बच्चे और वो भी बड़े हो जाएंगे, फिर उनकी शादी हो गई, फिर उनके बच्चे पैदा हो जाएंगे, ये इस प्रकार से, ये क्या अंत नहीं है? ये क्या है, इसका मतलब क्या है, जीवन का अर्थ क्या है? एक जो सोच चलता था बचपन से, और उसका मीनिंग, जो सोच चलता था उसका जो क्लैरिटी है, इस ज्ञान में आने के बाद मुझे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जीवन तो सचमुच यही है, और मैंने भी कभी इस जीवन को अपनाना है।
ये फील होता था उस समय। पक्का निर्णय तो लिया है पर उस समय तुरंत, तो मैं उस समय पढ़ रही थी, बीएड कर रही थी, बीएड के एग्ज़ाम्स के बाद फिर मैंने उस पढ़ाई को छोड़ दिया, फिर हिंदी प्रैक्टिस की थी क्योंकि हिंदी तो मुझे नहीं आती थी, हमारे लोकल लैंग्वेज तेलुगु है, वही मैं बोल सकती थी। फिर सेंटर पे रहना हो तो ट्रांसलेट करना होगा, हिंदी मुरलियों को तेलुगु में ट्रांसलेट करना होगा, तो उसके लिए पहले हिंदी समझना होगा। तो हिंदी को समझने के लिए मैं दक्षिण भारत, दक्षिणी हिंदी प्रचार सभा का जो है एग्ज़ाम्स देती रही, पर फिर भी जो है परफेक्टनेस तो आया नहीं है, इतना समझ नहीं, थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव हुआ है। फिर 92 में मैं जैसे ज्ञान में चली थी, 10 मंथ्स के बाद मुझे बाबा से मिलने के लिए मधुबन में चांस मिला। मैं गई थी वहाँ पर, तो मुझे वहाँ पर सेवा करने का भी मौका मिला, 6 महीने वहाँ पर सेवा में थी। तो मेरा लौकिक भाई आया और चंद्रमणि दादी से मिलवाया, चंद्रमणि दादी ने मुझे चंडीगढ़ भेजा, 93 हो गया तब तक, तो 93 से चंडीगढ़ में आई 93 से, और 2.5 साल तक मैं लौकिक घर गई नहीं, जैसे बाबा से मिलने के लिए गई मधुबन, और इसके बाद 3 साल हो गए समझ लो, फिर इसके बाद लौकिक में गई एक बार मिलने के लिए। चंडीगढ़ में जब मैं गई थी तो चंडीगढ़ में भी बहुत अच्छा लगता था, सब बहनों का प्यार और सोन्नति करने का अच्छा टाइम मिलता था। और पुरुषार्थ करने के लिए रोल मॉडल के रूप में मेरे से सीनियर बहनें बहुत थे, और उनको देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता था। और बड़े दीदी जी थे, वो बहुत योगी थे, और उनसे कई बार योग के प्रश्न पूछते थे, दीदी जी बता देते थे निरंतर योग माना क्या है, वो बीज रूप स्थिति क्या होती है। मैं बड़े दीदी को बहुत फॉलो करती थी योग में, दीदी जी कहते थे देखो निरंतर योग माना, जब अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मेरी बुद्धि परमधाम में बाबा के साथ लगी हुई है, मैं ये सोचती मैं भी ऐसा सीखूं, बनूं, याद करना सीखूं। सचमुच में जो कुछ भी मुझे नहीं आता था, करना चाहती थी, सीखना चाहती थी, वो बाबा के सामने रखती थी, और बाबा ने मुझे ऐसे बनाया, आज मैं जो हूँ बाबा की शक्ति थी, बाबा ने कराया। और चंडीगढ़ से मुझे हिमाचल, हरियाणा, ये सब कुछ कभी मैंने सोचा नहीं है, नॉर्थ इंडिया में आकर मैं ये सब कुछ भी देख सकती हूँ, सपनों में भी नहीं सोचा था। और ऐसे मौका मिला और बहुत अच्छा लगता है ये जीवन। बाबा ने हमें सेलेक्ट किया और इस ड्रामा में हमारा पार्ट बाबा का बनने का है, और अच्छा बाबा के साथ राइट हैंड बनकर पार्ट बजाने का है, ये सोच सोच के बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है।